पर उठा के भाग जाता था ना हमारे। हमारा बॉनी जो है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड सा फील कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है बनाया है मंचूरियन और फ्राइड राइस, तो मैं उनको खाऊंगी और फिर उसके बाद छत पे जाऊंगी और आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी। तो चलिए पहले हम इनको खा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको बाद में। और हाँ, ये हमने घर पे बनाई है और इसकी रेसिपी जल्द ही मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं बनाई थी इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे पाई थी, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूँगी। तो मैं दिखाने वाली थी ये प्यारे प्यारे सी डॉगीज, और देखो यहाँ पे जो झाड़ी है ना, यहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया है, मतलब इधर उधर घूमते हैं और इसके अंदर ऐसे चले जाते हैं और यहीं पे सोते हैं, और इनको ठंडू भी लगती है और क्योंकि सर्दी है। और हमने अभी देखा, 2-3 दिन पहले ही हमें पता चला यहाँ पर जो है बहुत सारे पपीज़ हैं और इनकी तो आसपास के सभी पड़ोसी जो है ना, इनका ध्यान रखते हैं, कभी कोई खाना दे देता है, कभी कोई दे देता है, ऐसा मतलब नहीं है कि कोई नहीं देता, तो सब खाना वाना दे देते हैं। और इनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ रख देते हैं हम लोग जैसे ढकने के लिए, लेकिन वो सुबह जैसे देखते हैं ना तो गायब हो जाता है, मतलब चोर बहुत होते हैं। और यहाँ से मम्मी और मम्मी की फ्रेंड अड़ोसन पड़ोसन बात करते हुए ऊपर से ही बातें हो जाती हैं। करोना के टाइम से चला था ये वाला जो है तरीका कि बस घर से ही बातें करो, छत से ही बातें करते थे सब लोग, तो वही अभी भी जो है चालू है। और इस जगह पे चले जाते हैं ये, यहाँ पे देखिए ये इनका घर है, अंदर अंदर मतलब कुछ बनाया हुआ है उन्होंने गोल गोल राउंड राउंड सा, और ऊपर ये झाड़ियाँ हैं। तो ये सामने वाली जो है वो हमें दिखा रही थी कि कैसे कैसे हैं, क्योंकि इनके गाय भैंस के यहाँ पे ना जो है कुछ कुछ रखा रहता है, जैसे लकड़ियाँ और ये जो ये होते हैं ना, ये याद नहीं आ रहा मुझे क्या होते हैं, मतलब आग जलाते हैं जिनसे, क्या बोलते हैं, जब याद आएगी तो बता दूंगी। तो ये इन प्यारे से पपी की मम्मा है और ये मतलब किसी को नहीं कट करती, और बच्चे दिन भर धूप में यहाँ खेलते हैं। और ये जो स्टॉल है ना, ये मेरा स्टॉल है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया इसको, क्योंकि इससे पहले हमने एक बॉक्स होता है ना, बहुत बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स था, उससे इनका घर बनाया। और जब मॉर्निंग में उठ के देखा तो चोर लोग ना बॉक्स भी उठा के ले गए, तो बहुत गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमने इस तरीके से ढक के और इनका जो है घर बना दिया ताकि इनको ठंड नहीं लगे। और अब देने जा रहे हैं इनको दूध ताकि ये खा लें। तो इनको दिया है दूध और रोटी, और देखिए किस तरीके से मतलब खा रहे हैं ये, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है जैसे भूखे हैं। तो आज शायद इनको खाना नहीं मिला, और इनकी जो मम्मा है उनको दूध भी नहीं पिलाती है। तो छत पे आई हूँ तो थोड़ा सा एंजॉय करके, थोड़ा सा खेल के जाएंगे हम नीचे, फिर देखते हैं कुछ काम। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, और प्यारा सा जो है सन है, तो देख सकते हैं आप धूप कितना प्यारा लग रहा है सूरज। और ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठंड है, बट मेरे बाल हो गए हैं फिर से ख़राब, मतलब ना स्ट्रेट है और ना ही इनमें मतलब वो चीज़ आ रही है, पता नहीं कैसे क्यों है। और जल्द ही मैं इन बालों को जो है स्ट्रेट करना घर पे आपको सिखाऊंगी, परमानेंट वाला, के लिए बहुत ही जल्दी आपको देने वाली हूँ एक बढ़िया सी वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब कर लें, स्लीपर पे सॉक्स, क्योंकि पाँव में बहुत दर्द हो जाता है ना बेचारा।
तेज आ रहा है, धूप बहुत तेज है, तो मैं पीछे साइड रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर रेड होने के बाद वो ब्लैक हो जाता है, मतलब मुझे जो है ना धूप से बहुत ही ज़्यादा गंदे वाली एलर्जी है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा के आती हूँ अभी, बहुत ही प्यारी पीछे की साइड है पप्पी। यही तो दिखाने जा रही थी मैं आपको, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी, तो यहाँ पे जो है ये मेरा कभी शॉल हुआ करता था पुराना, सारे इन्होंने फाड़ दिया है। तो ये मेरा शॉल और इसके ऊपर ये हमारे इधर गाय के साइड में रखे थे वो ढक दिए हैं ताकि इनको ठंड नहीं लगे। हमने कल ना यहाँ पे बॉक्स रख के इनका घर बनाया था कल शाम को, तो कोई इनका बॉक्स भी उठा के, बेचारे बेसहारा जानवरों के ऊपर भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे घुसे हुए थे ये पहले ना, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे थे, फिर हमने इसका यहाँ पे घर बना दिया है। ये इसमें दूध डालते हैं, इसको उल्टा कर दिया इन्होंने, और ये अपने घर में इसके कुछ 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 काइट उड़ाते हुए। ये है हमारा सबका फेवरेट मलाई चाप, और इसके अंदर जाएंगी अनियन, और इसके अंदर जाएगी अभी ये वाली सॉस। आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो, जय श्री राम बोलना चाहिए, कैसे खाते हैं चलता है, राइस थोड़ा ही ना जाएंगे इसमें किचन में। गरीबों का खाना। तो ये बनाई है मैंने मीठी सेवैयाँ, इनको सेवैयाँ भी बोलते हैं और हमारे साइड में जवे भी बोलते हैं, आटे के, मैदे के, सूजी के, दो तीन तरह के होते हैं ये, तो मीठे मीठे मैंने। तो अब करती हूँ मैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।